बेवफा चैलेंज है, रील बनाना है, बस रील बनाना है बस। ठीक है, याद रखिए, बेवफा का डेफिनेशन ये नहीं है कि सिर्फ आपकी प्रेमिका बेवफा हो, टीचर भी हो सकता है, बाजू वाला दोस्त भी हो सकता है, बैक बेंचर भी हो सकता है। तो रिमेंबर, प्लीज बनाइए रील्स ऑन बेवफा। और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारी कास्ट को, अक्षय कुमार जी आप बुलाएंगे क्या? मैं बुलाऊं? उसको अभी याद आया मेरे को बुलाना है, उसको बोला गया था इसके पैसा काटो ओवर एक्टिंग के। चल बैठ जा, अभी मैं संभाल लूंगा यहाँ से। अर्शद, अरे मुझे मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा, बैठ जा। बस के भाड़े नहीं मिल रहे मुझे शो से। अच्छा बैठ जा। अच्छा अर्शद आइए स्टेज पर। अरे पहले लड़कियों को बुलाते हैं मेरे चाचा, ग्रैंड कर रहा था मैं। कल वुमेन्स डे हुआ फिर भी अकल नहीं आई इस आदमी को यार, बैठ जा। ओके कम कम कृति जैकलीन कम, ये आदमी ना पाजी और गुड एंकर है मस्त से, आप अच्छी एंकरिंग करते हो। तो दोस्तों हाथ उठाइए, सवाल पूछिए, मजे करिए। ओके पहला सवाल कौन पूछेगा? याद रखिए लेडीज फर्स्ट। मैडम 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 माइक दे दो माइक। चलिए आप पूछिए। अच्छा लाइट बढ़ाइए प्लीज। हेलो, ताकि हमको तुम लोग बिल्कुल ना देखो। हेलो आवाज आ रही? अक्षय भाई इम्तियाज किधर देखा, यही होता है। मैं ये पूछूंगी अगर सबसे जो विलन होता है उसकी जीत तब हो जाती है जब वो पर्दे पे आए, उसको देख के लोग जो है नफरत करने लगे, और इसमें आप काफी हद तक जीतते नजर आ रहे हैं। और मेरा कहना है कि आपको भौकाल रखने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आपको लगता है आपका भौकाल नहीं चलता है? एक एक करके पूछ ले, पहला पूछ ले आराम से, पहला वाला पूछ ले। क्या मैंने आपसे, मैंने बोला कि जीत होती है विलन की तब जब वो आता है पर्दे पर, उसको देखने के बाद उससे लोग नफरत करने लगे। यहाँ पर तो आपकी जीत नजर आ रही मुझे, जो पहला क्वेश्चन था आपने खुद ही उत्तर दे दिया। चलो लेकिन हम कह रहे हैं कि आपको भौकाल बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको भौकाल लगता है आपका? और फिर एक एक अभी तो समझाया बेटे, एक एक करके पूछ ला आराम आराम से, किस बात की जल्दी, हम यहीं बैठे हैं। हाँ तो अब देख, सेकंड वाला क्वेश्चन दिमाग से निकल गया ना, भौकाल बनाए रखने, भौकाल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? भौकाल बनाने के लिए वैसे तो अपनी जिंदगी में अच्छा इंसान बनना पड़ता है। ये फिल्म है, इसमें ज़रूर मैं विलन का रोल हूँ, और वो अपने हिसाब से सोचता है कि मैं गलत काम करके भौकाल बनाऊँगा, लेकिन बाद में एहसास क्या होता है वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा। ठीक है, तीसरा दूसरा दूसरा नहीं, ये दूसरा हुआ ना, पहला तो उसने खुद ही उत्तर दे दिया। ऐसी कौन जगह है जहाँ पे आपको लगता है आपका भौकाल नहीं चलता है? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मेरा लगता है घर पर ही नहीं चलता? ठीक है, अब दूसरा, अभी कोई और मैडम को दीजिए, कोई माइक दे दो। सर कल लेडीज डे था। फराज सर, लेडीज डे। हेलो फराज सर, आई एम अक्षय फ्रॉम INS। मेरा सवाल आपसे है कि आपने अभी तक कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी हैं और डायरेक्ट की हैं, क्या इस बार आपको प्रेशर फील हो रहा है टू कम बैक टू द लॉट वंस अगेन आफ्टर अ पीरियड ऑफ लाइक सच अ लॉन्ग पीरियड? प्रेशर और नर्वसनेस से ज्यादा एक्साइटमेंट है, बस दैट्स इट। क्योंकि जो चीज़ जो मेहनत की है हम लोगों ने, मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि इट्स नॉट ओनली अ फिल्म, क्योंकि जब हम लोग ने फिल्म ये शुरू की थी तब एक पैंडेमिक का ईरा चल रहा था, तो कहीं ना कहीं 6-7 महीने से काफ़ी हमारे टेक्नीशियंस, लाइट मैन, स्पॉट बॉयज़, काफ़ी लोगों को काम मिला नहीं था। और हमको जब गवर्नमेंट से थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस थोड़े ईज आउट हुए कि हम शूट कर सकते एक बबल में, सो मैं वो मोमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि कहीं ना कहीं हम वो चीज़, हमारी एक फैमिली है, हमारी एक फिल्म इंडस्ट्री, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि हम सब किस तरह से हमने ये फिल्म शूट की। इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा कि कोविड में एक दो लाइन भी ली मैंने, लिखी थी
कि मत पूछ नाचीज कैसा हूँ, मत पूछ नाचीज कैसा है, बारूद पे बैठा हूँ हर शख्स माचीज जैसा है. दैट वॉज द ईरा वी वर गोइंग थ्रू जहाँ हम लोग ने शूट किया. तो हमारे लिए बच्चन पांडे द क्वेश्चन विच यू आस्क द आंसर इज दैट एक्साइटमेंट बहुत है कि जो मेहनत हमारी हुई है, नॉट ओनली मेरी पूरी टीम की, हमारे स्पॉट बॉयज, लाइट मैन, जो रोजी रोटी के लिए हम लोग ने वो एक जद्दोजहद थी कि यार एक फिल्म शुरू कर रहे हैं, हम लोग ने जैसलमेर में शूट किया था. सो दैट इज द एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है सर. दैट्स इट. हाय अक्षय सर, दिस इज अदिति फ्रॉम ई टाइम्स. ह्यूज कंग्रेचुलेशन फॉर बच्चन पांडे. So this is your 10th film with Sajid sir. So almost a decade long association. How do you reflect on this journey? Oh, my journey with Nadiadwala goes very far away. Abhi sun to lo. बैठ के सुन लो. लेकिन आप मैंने मेरे से प्रश्न पूछ के वहां देखने लग गई. लंबी कहानी बैठ जाती. नहीं बैठ तो जाओ भले. तो कहाँ था मैं? हाँ, तो नडियाडवाला जी के साथ मेरे बचपन का रिश्ता है. हम दोनों साथ में स्कूल में जाया करते थे, साथ में स्कूल में. फिर 255 नंबर की एक बस थी लिमिटेड, जो पकड़ के हम अपने अपने घर भी जाया करते थे. हमारा घर थोड़ा भले दूर था लेकिन बस एक ही नंबर में जाते थे, 255 की. और तो तब से मैं उनको जानता हूँ. साथ में फिर मैंने उनके ऑफिस में स्ट्रगल भी किया है, उनके ऑफिस में काम मांगने भी गया हूँ और फिर काम भी मिला. वक्त हमारा मेरी पहली फिल्म थी, उसके बाद ढेर सारी और फिल्में की. कई फिल्में जो थी वो हिट भी गई, बहुत सारी हिट गई, एक दो फ्लॉप भी गई हैं. लेकिन एसोसिएशन बहुत बढ़िया रहा है और हम यही समझते हैं कि और आगे चलता रहेगा, ऐसा ही माहौल रहेगा और फिर 20वीं फिल्म भी करते हुए नजर आएंगे. अक्षय जी, मेरा सवाल ये है कि जो फरहाद जी ने अब तक की जो फिल्में लिखी हैं वो काफ़ी कॉमेडी के करीब रही हैं आपने, लेकिन हमने जब ये ट्रेलर देखा तो लग नहीं रहा था कि फरहाद जी की फिल्म है. लेकिन आपने जब ये, आपको ये फिल्म की स्टोरी पता चला कि ये फिल्म हो रही, तो आपने उनको डायरेक्टर के रूप में कैसे सोच लिया था कि वो इतना अच्छा कर पाएंगे जैसा हम ट्रेलर देख पा रहे हैं? क्यों, मुझे तो कोई शंका नहीं है कि ये ऐसा नहीं कर, क्यों कुछ कर पाएंगे. इन्होंने रोहित शेट्टी साहब के लिए लिखी है इतनी फिल्में, वो भी एक्शन डायरेक्टर है. तो मुझे लगता है वो जर्म इनके अंदर पहले से ही था कि ये एक्शन भी कर सकते हैं, इमोशनल भी कर सकते हैं और कॉमेडी तो इनके पास था ही था. तो मुझे कोई इस बात की कोई शंका नहीं थी कि ये नहीं कर पाएंगे. आई ऑलवेज न्यू इट दैट ही विल बी एबल टू पुल इट ऑफ. एंड इनकी पहली फिल्म भी मेरे साथ ही थी, एंटरटेनमेंट जो थी फिल्म का नाम था. फिर उसके बाद हाउसफुल की, फिर इन्होंने मेरी बड़ी फिल्में भी लिखी हैं और भी. तो आई हैव फुल फेथ इन हिम एंड आई थिंक मुझे व्हेन यू गाइज वॉच इट, इट्स अ वेरी कमर्शियल मसाला फिल्म एंड इन्जॉयबल फिल्म. मतलब इस फिल्म के अंदर मैं कहूँगा कि सब कुछ है, देखने में मज़ा आएगा. अक्षय सर, हाय, दिस इज निकिता फ्रॉम इंडिया फोरम्स. सर, पहले तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप जिस स्पीड से फिल्में कर रहे हैं मुझे लगता है बाकी सारे एक्टर्स अपना घर बार बेच के गांव चले जाएंगे. तो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. आई वॉन्ट टू आस्क अक्षय सर, जैकलीन मैम एंड कृति मैम, टू ऑल ऑफ यू, हाउ वॉज इट वर्किंग टुगेदर फॉर बच्चन पांडे? वेल, इट वॉज just amazing to be back on set again. It was I joined the set in 2021. We shot this last year, Jan-Feb, and just to be back on set, of course, this is, you know, like a home production for me. Sajid Nadiadwala, I've done a lot of films with him in the past. Back with Akshay after Houseful and Brothers. Unfortunately, me and Kriti only had one day. Yeah, we shot for just one day together. But we were able to spend a couple of days in Rajasthan, just kind of like bonding, and that was really fun. And I'm back with Farhad again after Houseful, so that also was, it was actually like a reunion of sorts. Kriti had just also come, I think, out of Houseful with everyone, the entire team. It was new to work with Arshad, but yeah, it was like a reunion of sorts, actually. It was fun. Well, बहुत बहुत मज़ा आया था. कुछ कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका जो स्केड्यूल है, हम कुछ दो महीने तक करीब जैसलमेर में थे, सूर्यगढ़ पैलेस में, वहाँ पर हम शूटिंग कर रहे थे और पूरा क्रू जो है वो साथ में रह रहा था, साथ में खाना खा रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, गेम्स के बीच में हम कहीं थोड़ी जाके शूटिंग कराते थे. बट इट वॉज़ रियली लाइक अ फैमिली
I've really enjoyed a lot shooting this film. Akshay sir, of course, I've worked with in Houseful, you know, with Farhad as well. So, wo ek comfort and bonding to thi hi. Arshad, I worked with for the first time and I've had a blast. I think we hit it off in the flight itself. Jab hum log ja rahe the Jaisalmer. And I've had a lot of scenes with him as well. And I'm happy that the chemistry with everyone is being appreciated. And this is one film जो मतलब मन करता है ना यार वापस जाके एक बार वापस शूट करके आए क्या ये वैसी फिल्म है हाय अक्षय सर